इसलिए मौला सैयद सज्जाद ने अपनी जिंदगी में गर्चे के मैं अर्ज कर चुका कि वाकई करबला के बाद 34 बरस तक जिंदा रहे, लेकिन अपनी जिंदगी में जो पूरी जिंदगी है उसके अंदर 40 हज अंजाम दिए थे, 40 हज अंजाम दिए थे। ये भी रिवायतों के अंदर मिलता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्होंने भी अपनी जिंदगी के अंदर 25-25 हज अंजाम दिए थे और पाप बरहना अंजाम दिए थे। मौला सैयद सज्जाद ने जाहिर सी बात है कि कभी अपने ताया इमाम हसन के साथ, कभी अपने बाबा इमाम हुसैन के साथ हज अंजाम दिए होंगे। जब वाकई करबला पेश आ चुका तो तनहा हज पर जाया करते थे। लोग ये समझ रहे हैं कि ये फर्जंद हुसैन हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं, तवाफ करने जा रहे हैं, कुर्बानी करने जा रहे हैं, सही करने जा रहे हैं, जो एक आम सा हज होता है वो अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उन्हें खबर नहीं है कि मदीना से मक्का के रास्ते में जितने लोग सैयद सज्जाद से टकराएंगे फिर वो यजीदी नहीं रहेंगे, हुसैनी बन जाएंगे। और फिर खुद मेरे मौला सैयद सज्जाद की सीरत ये रही थी कि कभी बताते नहीं थे किसी कारवान को कि मैं कौन हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली और जहरा का लख्ते जिगर हूँ, उनका पोता हूँ, कभी बयान नहीं करते थे। गुमनाम सूरत के अंदर किसी काफिले के अंदर शरीक हो जाया करते थे और इस कदर उस काफिले की खिदमत किया करते थे कि लोग गोये समझने लगते थे कि शायद इसका ताल्लुक खादमीन के किसी गुरोह से है, गुलामों के किसी गुरोह से है। और जब जब ये काफिला आगे बढ़ता और कोई आशना टकरा जाता और बताता कि ये हुसैन के फर्जंद सैयद सज्जाद हैं, तो फिर वो हाथ जोड़कर आते, कदमों में गिर जाते, कहते हमने गुस्ताखी की है। सैयद सज्जाद सबसे दरगुजर फरमा देते, सबको माफ़ कर देते। और अगले दिन जब ये तलाश करते सैयद सज्जाद को, तो सैयद सज्जाद उस काफिले में नजर नहीं आते, काफिला तब्दील कर चुके होते थे। क्यों? सही है, एक मकसद ये भी है और ये अहम मकसद है कि इंसान अपने खुलूस को बाकी रखे, अपने इखलास को बाकी रखे कि जब तक मुझे नहीं पहचानते हैं मैं उस वक्त तक खिदमत कर रहा हूँ, जब मुझे पहचान जाएंगे जाहिर सी बात है मेरी इज्जत करेंगे, मेरा एहतराम करेंगे, मुझे काम करने नहीं देंगे। एक ये वजह भी है, लेकिन एक अहम वजह यह है कि जब इस काफिले में रहकर खिदमत करके बता दिया कि मैं हुसैन का बेटा होने के बावजूद ऐसे खिदमत करता हूं, यह है हकीकी इस्लाम। जब एक काफिला समझ गया कि हकीकी इस्लाम यह है, अब दूसरे काफिले को समझाने के लिए चले, एक से दूसरे काफिले को, दूसरे से तीसरे काफिले को। और लोग ये समझ रहे हैं कि ये सैयद सज्जाद हज का शौक रखते हैं, हाजी बनना चाहते हैं, हज अंजाम दे रहे हैं।